ओके सर, जनरली मैंने सोचा था मैं ब्लॉग नहीं करूंगा क्योंकि काम भी करना है, लेकिन इतना क्राउड देख के आई एम लाइक माइट एज वेल। देख रहे हो जनता, देख रहे हो पीछे, इट्स मैडनेस। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद, एंड बहुत मज़ा आने वाला है। ऑलरेडी आई कैन सी द क्राउड, इट्स मैडनेस। अंदर आके पता नहीं क्या होने वाला। हम लोग को बस ने अराउंड 1.5 किलोमीटर पहले ड्रॉप किया है बिकॉज अंदर ट्रांसपोर्टेशन अलाउड नहीं है। एंड आई कैन हेयर द क्राउड ऑलरेडी, दिस इज गोइंग टू बी मैड। आई हैव सीन द गेम्स ऑब्वियसली अर्लियर दुबई में, बट इंडिया में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्या मजा ही आने वाला है। ये क्राउड वाले स्टेडियम के बाहर, एज यू कैन सी, अंदर घुसने के लिए बैंड बजने वाली है। जनता जनता छोड़ो, यहाँ पर मीडिया की भी बैंड बजी पड़ी है, जगह नहीं है इनके पास कैमरा संभाल के। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इतने सारे लोग बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं थे। 1.5 लाख लोग ऐसे दिखते हो रही है, प्रमोटर्स भी आए हैं, हर चीज चल रही है यहाँ पर भाई। अरे कहाँ से ट्रेन जा रही है? ओके फाइनली हमारे गेट पर आ गए हम लोग, लेट्स गो भाई साहब। यार यहाँ की जनता मीन बहुत है, गाड़ी नहीं धुलवाई सीधा गाली दे रहे लोग गाली दे रहे लोग गुजरात में ऐसे लोग है क्या? अरे आप पान धोगे तब बात करोगे यार। तो हम लोग यहाँ है और हमको जाना है, ड्रोन क्या चेक कर रहा है? अच्छा वो वाला, अच्छा ये जो ऊपर 3D मैपिंग करता है वो है। आई एम वंडरिंग जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी हालत कितनी खराब होगी आज के दिन। वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव लर्नड इज कि अपने पास यहाँ पर इन जनरल कोई क्यूइंग सिस्टम नहीं होता। लाइक यू सी द क्राउड, दिस इज वेयर वी आर स्टार्टिंग, एंड अपने को उधर गेट पे जाना, दिस इज द एक्चुअल क्राउड। मेरे अंदर का बहुत एक्सट्रोवर्ट मेरे को खत्म करना पड़ रहा है ये शॉट लेने के लिए। तो इन जनरल पब्लिक में बात करने का थोड़ा इशू होता है, लेकिन आज ब्लॉग कर रहे हैं तो फिर इतना कट्स करना पड़ेगा। जनता सब आ रही है तो इट्स टेकन अस एटलीस्ट 20 मिनट्स के आसपास, एंड मैंने अभी तक गेट के तुमको एरिया दिखाता हम लोग कहाँ पर अभी तक पहुँचे हैं। तो अनदर 10-15 मिनट्स उसके बाद आई थिंक एक और सिक्योरिटी चेक है, तो एक्चुअल पहुँचने के लिए आई डोंट नो मे बी अनदर 45 मिनट्स लगेगा सीट तक। आई हैव अ फीलिंग वो आंटी लाइक क्या हो रहा है मेरे घर के आसपास, किसको किसको चिल्लाऊं मैं। ओह गॉड, लुक एट हर, शी इज सो पिस्ड, शी इज सो पिस्ड। वो देखो देखो, ये स्मार्टेस्ट डिसीजन है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो गुजराती है, तुमको बताओ। देखो यहाँ पर हम लोग गेट के एंट्री पर हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अंदर लेके जाना अलाउड नहीं है, तुम लोग वापस समझ जाएंगे। सो व्हाट दे हैव डन इज, समबडी हू स्टेज हियर, व्हाट दे हैव डन इज, इसको बोलते हैं बिजनेस माइंडसेट। जितना क्लोज पहुंच रहे हैं ना उतना स्ट्रेस बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है जनता कभी भी स्टैम्पेड टाइप चालू करेगी, बिकॉज आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ वो लोग ने कैसे मैनेज किया है। लेट मी शो यू इनसाइड, ऑलमोस्ट हियर। लाइन जो आपने यहाँ बनाई है ये पहले से बननी चाहिए थी। अरे नहीं, क्या बनाई है पर क्या करें, नहीं कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि यार लोग धूप में खड़े खड़े भड़क जाते हैं इसीलिए। जरा चेक कर लो मेरे को, आया बोलू मत मोबाइल वॉलेट ये क्या है इसमें, एक वॉलेट है ये, पावर बैंक अलाउड नहीं है। पावर बैंक इतना अलाउड नहीं, सॉरी यार। कंटेंट कैसे बनाएंगे हम जो कंटेंट क्रिएटर, तो कंटेंट कैसे बनाएंगे? अरे इसको क्या है आप प्रो कर सकते हो? नहीं नहीं, अच्छा हम लोग कंटेंट क्रिएट करने के लिए आए हैं, जैसे हमारा ऐसा बात नहीं है। आई नो बट हम नहीं बिकेंगे अभी, कैसे मैं यकीन दिलाऊं आपको, हमको तो सब एक ही जैसे लग रहा है, इसके इसको वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। आपको इसको रखना हो तो इधर रख दीजिए, वो इसमें नहीं, बाद में क्रिएट आया नहीं। ओके तो अंदर फाइनली आ चुके हम लोग,
एंड पावर बैंक अलाउड नहीं है, कहीं पर ये लिखा नहीं था कि पावर बैंक अलाउड नहीं है। मेरा फोन 40% पर है, बट अब आई हैव नो क्लू हाउ विल आई, क्या करूँगा मैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। This is what I'm talking about. मैं बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ आया था, saying India, Pakistan, blah blah, and all of that. Very excited since the beginning. But the management is absolute shit. वो लोग the way वो लोग ने cops को, again cops की गलती नहीं है, जिन्होंने मैनेज किया है वो अच्छे से मैनेज नहीं किया है। क्यों का सिस्टम होता है, मैं क्या समझाऊँ यार, I don't do preach. पर ठीक है, चलो छोड़ो, आई होप अंदर आके सब ये सब टेंशन मिट जाएगा, है ना। दूसरी भी चेकिंग हुई, दूसरी चेकिंग में वो लोग ने फिर से जो मेरा जो बैटरी पैक वगैरह है, मैंने उनको बोला, मैंने दे दिया। मेरे पास मेरा एक्सटर्नल एक बैटरी पैक है जो आईफोन के साथ अटैच होता है, तो मैंने वो लकीली अंदर, वो भी एक्चुअली रुका रहे थे, पर लाइक भाई ये फोन के साथ अटैच होता है, उनको बोला मैंने डेटा इंटरनेट इसमें चलता है, आई टू से समथिंग, आई टू लाइक ओनली देन आई वाज एबल टू गेट थ्रू दिस, अदरवाइज मेरा फोन 40% पर है, इवन बिफोर द मैच स्टार्ट्स मेरा फोन वुड गो। आईफोन, एक तो आईफोन इतना खर्चा करते तुम पे, आज तो सब पे गुस्सा आ रहा है मेरे को, आई होप अंदर जाके सब खत्म हो जाए, बट ठीक है, लेट्स गो। दिस इज नाइस फ्री ड्रिंकिंग वाटर, यूजुअली स्टेडियम में ऐसा नहीं मिलता है, यूजुअली यू नो ऐसे कियोस्क होते हैं जहां पर यू नो 5,000 रुपए यू नो ज्वेलरी वगैरह रखनी पड़ती है पानी के लिए, बट यहाँ पर ये लोग ने फ्री में पानी दिया है, विच इज ग्रेट, विच इज ग्रेट। सो फाइनली वी मेड इट इनसाइड एंड सुशविंदर इज परफॉर्मिंग, ये देखो शंकर इज हियर, कैमरा वाले को स्पॉट किया मैंने जो बगल में ही है, मैं सोच रहा हूँ जाके कुछ पैसे वैसे दे दूँ, बोल दूँ डाल दे स्क्रीन पे, देखो सिर्फ उस तरफ ना जाके बोलूँ क्या, अरे लड़के लोग को देखना बंद कर भाई साहब। पूरा अगर आना देखो 30 yards से एकदम आगे आता है, चलता है चलता है चलता है चलता है, देखो देखो ये यहाँ से चालू करता है, ये मतलब 4 steps आगे तो स्पिनर लोग करते हैं भाई, था क्या वो, अच्छा अच्छा खासा स्कोर हो चुका है, देख रहे हो ये लोग 6 wickets डाउन है, एंड यहाँ पर आप मैंने एक चीज नोटिस किया लोग के बीच में, ये दे रहे हो जो लोग टोपरी लेकर आए ना वो लोग क्या कर रहे, देखो ये कर रहे हैं। और धोनी का फैंडम तो है अभी भी, देख रहे हो, जस्ट 1 wicket अवे एंड देन गेम खत्म, बस 1 wicket और बाकी है, शाइन खेल रहा है राउफ के साथ, व्हाट अ लवली सनसेट दो। तो एसेंशियली मैं मेरी सीट छोड़ गया हूँ क्योंकि नीचे से एक्शन चाहिए था मेरे को, मस्ती कर रहे हैं,
खत्म हो रहा है आज। डीआरएस लिया है वंडर, अगर आउट होगा तो क्राउड विल इरप्ट, लेट्स सी। सो फार मैनेजमेंट वाइज सिर्फ एंट्री में लफड़ा हुआ था, उसके बाद आई थिंक ये लोगों ने काफ़ी सही से मैनेज किया हुआ है। वॉशरूम वगैरह है नीचे, एज आई सेड पानी फ्री का है, एंड देन पीछे जो है लाइक इनफ स्टॉल्स फॉर पीपल टू नॉट लाइक यू नो फाइट ऑन वन स्टॉल। एंड जैसे हाफ टाइम हुआ वैसे दे ब्रॉट एक्स्ट्रा व्हाटएवर पॉपकॉर्न जो भी खाने का था, एक और स्टॉल सामने लेकर आया ताकि लोग को अंदर तक ना जाना पड़े। सो आई थिंक दैट वे वो लोग ने मैनेज काफ़ी अच्छा किया है। इवन मनी वाइज मेरे ख्याल से इट्स ओके, 100 रुपये 120 रुपये इज फॉर दो समोसे एंड दो वड़े एंड ऑल दैट, मनी इज 100 रुपीज़, सॉफ्टिंग इज 100 रुपीज़, सो नॉर्मल यही प्राइस होता है एस्पेशली एज अ स्टेडियम में, तो नॉर्मल यही प्राइस होता है। ऑल्सो पाकिस्तान टूर के अंदर अलॉट हो गई है, तो देखते हैं इंडिया कितना जल्दी ख़त्म करती है या फिर कुछ नया होता है। कंप्लेन है या फिर राधर शायद मेरे साथ इशू हो रहा है, बट नहीं एक्चुअली सबके साथ इशू हो रहा है ये कि इंटरनेट यार, एंड आई सीन जियो के लाइक नेटवर्क लोगों ने लगाए हैं साइड पे पोल्स पे फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहा, और मेरा नेटवर्क जो है वो जियो का है। मेरे पास दो फोन है, एक एयरटेल का रखा है मैंने जिसमें फिजिकल सिम है, और एक जियो है जिसमें ई सिम है, दोनों भी ढंग से नहीं चल रहा है, एक स्टोरी नहीं जा पा रही यार। एंड जितने लोग मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी का वेट कर रहे हैं, आई नो मेरा एटलीस्ट 5 लोग तो वेट कर रहे होंगे इंस्टाग्राम स्टोरी का, वो भी नहीं कर पा रहा हूँ इसके चक्कर में, बट कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो सब मैं दिन के एंड में करूँगा। बट दैट इज़ दी ओनली वन कंप्लेन आई फील, सो मेरे हिसाब से आई मीन अमंग्स मेनी अदर स्टार्टर ने कंप्लेन की, प्लीज़ आई एम नॉट वाइट वॉशिंग दिस। भाई ने मेरे को सामने से पूछा क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था, भाई ने पूछा ब्लॉगर हो आप, तो भाई का भाई आपका नाम क्या? मेरा रवि तमंचे। तुम्हारा नाम तमंचे? नहीं सरनेम। अरे भाई सरनेम तमंचे तुम्हारा, हाँ खराब। तुमको पता है जो सरनेम लोग का होता है पहले वो लोग वही काम करते थे, जैसे कि जिसका सरनेम लोखंड वाला होता है तो पहले मेटल का काम करते थे, तो तुम तमंचे का काम करते हो? नहीं 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 नहीं। तो कहाँ से हो तुम? मैं ऐसे ही अहमदाबाद। यहीं से ऐसा यहीं से निकल गया अभी अहमदाबाद। अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा यूट्यूब चैनल है रोहित भारती, चेक कर लो, उस पर ये ब्लॉग जाएगा, ठीक है? एक बार इस पे आप सर्च कर दो, अभी नेटवर्क नहीं चल रहा है। हाँ ये मैं यही इनको कह रहा था, नेटवर्क नहीं चल रहा है, और ये आदमी तो लोकल यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नेटवर्क नहीं चल रहा है? यहाँ पर इसके ग्राउंड के पास में नहीं है नेटवर्क, बाहर निकल के आप सिर्फ कॉल कर सकते हो, लेकिन नेटवर्क वो लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं क्या? वो तो आप इस पे सर्च कर तो सीन है बाबा। बैड ना इंडिया में फैंडम कैसा है उसको, वो मेरे को जानता भी नहीं है, पर उसने मेरे को ब्लॉग करते हुए देखा, उसने मेरे से पूछा एंड उसने फोटो खींची, दैट्स अमेजिंग। लाइक अगर मैं इंडिया में कंटेंट रेगुलरली करता तो पता नहीं क्या की कहाँ से कहाँ की फॉलोइंग हो जाती है अपनी। किधर जा रही है बॉल? भारी भाभी कहती है सारा भाभी कहती है जनता को। सामने क्रिकेट नीचे ड्रामा, घर के दोनों लोग दोनों सदस्य खुश होंगे। अरे अपने महाराष्ट्र गैंग आई रे बाबा, नहीं क्या वैसे लग रहे हैं। गुजरात में तो फुल डांडे वाइब्स तो हो गए। मेरे अगल बगल वाले उतना नहीं मूव कर रहे, बट काश में नीचे होता। डोली तारो डोल
थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया, ये क्राउड पगला गया। बड़ा अच्छा है, गुड गुड गुड, थोड़ा एंटरटेनमेंट तो कर रहा है। जो बंदा उधर बैठा है वो धोनी का फैन, हेड बैठे दुबई एशिया कप में मिला था मैं इसको, क्या बात है। 49 पर है और जो न्यू स्पिनर आ गया है अभी, कोई चढ़ा चढ़ा करने ना जाए, कम ऑन 49। क्या बात है, कैप्टन कैप्टन। अरे लोग बॉल रिटर्न नहीं कर रहे, बॉल मांग रहा है, अरे बॉल दे दो यार, बॉल दे दो। बंदा बॉल नहीं दे रहा था उसको, आई थिंक पुलिस लेकर जा रही है, ये देखो इसको पुलिस लेकर जा रही है, ये भगवान, क्योंकि वो बॉल नहीं दे रहा था। अच्छा उसको लेकर कहीं नहीं गए, लेकिन ऐसा लग रहा था लेकर जा रहे हैं। ड्रामा बहुत है इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में। ये लोग कैमरामैन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस तरफ देखने के लिए, पर इस तरफ देख ही नहीं रहा है। ये देखो प्रलू स्ट्रेस में, लोग इतना हेट क्यों कर रहे हैं कैमरामैन को, पूरा ये देखो 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 क्राउड, अरे बाप रे बहुत भड़केला है यार, ये तो पूरी गैंग बहुत भड़की है, बैठी थी वो लोग वहाँ गए क्योंकि वहाँ का कैमरा मैन ज्यादा करता है। ये देखो सब लोग उधर चले गए, ये देखो ये भगवान, थोड़ी जल्दी आ गई है। एक्स्ट्रा स्मोक भी हो गया, कुछ ज्यादा वालों ने पटाखे चला दिए, बट वर्थ इट है। अरे अपना पॉपुलेशन खतरनाक है भाई, खतरनाक पॉपुलेशन है। मैं दुबई में 10-11 साल हो गए इसलिए मैं कभी कभार ये भूल जाता हूँ, लेकिन ये एक्सपीरियंस करना, ब्लेस यू, एक्सपीरियंस करना ये समथिंग है। थोड़ा सा स्कैरी भी है, आई एम नॉट गोना डिनाई। उधर दुबई में रहने के बाद मुझे थोड़ा सा लाइफ का जो क्वालिटी है बदल गया है एज कम्पेयर टू मी बीइंग इन इंडिया, वैसा नहीं होता था तो, बट एनीवे गुड एक्सपीरियंस, गुड फन। अभी व्लॉग देखते पता नहीं कब एडिट होगा, बट इट शुड गो टुडे और टुमारो।